हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं बना रही हूँ आलू के पराठे। तो मैं आलू के पराठे किस तरह से बनाती हूँ उसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने आलू बॉईल करके ले लिए, आलू को अच्छे से मैश कर लिया है। दो प्याज लिए थे जिसे मैंने बारीक काट लिया है, और लहसुन और हरी मिर्ची इसे मैंने कूट कर लिया है। गैस चालू करेंगे और इसके ऊपर कढ़ाई रखेंगे और इसमें ना 2 चम्मच तेल डालेंगे। तो 2 चम्मच मैंने इसमें तेल डाल दिया है। तेल को गर्म होने देंगे। तेल गर्म हो गया है, अब इसमें डालेंगे 1 चम्मच जीरा, और जो हमने लहसुन और हरी मिर्ची कूट के रखी थी ना वो इसमें डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसे ना हल्का सा भून लेना है। तो लहसुन और हरी मिर्ची को हल्का सा भून लिया मैंने। अब इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ प्याज। तो आलू के पराठे में ना प्याज डाल के बनाते ना तो बहुत ही टेस्टी बनता है पराठा। तो इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे हमें तब तक पकाना है जब तक कि सॉफ्ट ना हो जाए। तो थोड़ा सा नमक डाल देंगे जिससे जल्दी से पक जाए। तो आप देख सकते हैं प्याज जो है सॉफ्ट होकर इनका कलर भी चेंज हो गया है। अब इसमें डालेंगे 2 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच गरम मसाला और 1 चम्मच चाट मसाला, और इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और जो हमने आलू को मैश करके रखा था वो इसमें डाल देंगे। और बारीक कटा हरा धनिया, तो धनिया आप इसमें थोड़ा ज्यादा डालें जिससे ना बहुत ही अच्छे पराठे बनकर तैयार होंगे। और इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब ना गैस को बंद कर लेंगे। तो आलू का मसाला बनकर तैयार है, ऊपर ढक्कन दे देंगे और ये मसाला ठंडा हो रहा है तब तक हम ना आटा गूंथ कर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने आटा ले लिया इसमें। थोड़ा सा नमक और 2 चम्मच तेल डाला है। तो इसे पहले ना मिक्स कर लेंगे अच्छे से, और इसे मिक्स करने के बाद इसमें पानी डालकर इसे गूंथ लेंगे। आटा गूंथ लिया मैंने। अब गैस चालू करेंगे और इसके ऊपर तवा रखेंगे, और तवा गर्म हो रहा है तब तक हम पास में पराठा बनाकर तैयार कर लेंगे। तो थोड़ी लोई लेंगे और जिस तरह से हम रोटी बनाते हैं ना वैसे रोटी बनाकर तैयार कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं इस तरह से रोटी बनाकर तैयार कर लेना है। और जो हमने आलू का मसाला बनाकर तैयार किया था ना उसके ऊपर रखेंगे। तो अच्छे से मसाला भर देंगे इसके ऊपर, और इस तरह रोटी को करते हुए जो एक्स्ट्रा भाग है ना वो बाहर ले लेंगे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं जो एक्स्ट्रा है वो उसे बाहर ले लेंगे, और हल्के हाथों से इस तरह दबाते हुए इसे थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे जिससे कि बेलने में आसानी रहे। तो थोड़ा सा आटा लगा लेंगे इसके ऊपर और इसे ना हल्के हाथों से बेल लेंगे। इस तरह से पराठे को बेल लेना है। तो अब इसे सेक लेंगे। तो एक साइड हल्का सा सिक जाए तब इसे पलट लेंगे और इसके ऊपर ना तेल लगा लेंगे। तो ऐसे ही दूसरी साइड भी हल्का सा सिक जाएगा ना फिर इसके ऊपर तेल लगाएंगे। तो दूसरी साइड भी हल्का सा सिक गया, आप देख सकते हैं, इसके ऊपर भी तेल लगा लेंगे और मीडियम फ्लेम पर ना पराठे को दोनों साइड से अच्छे से सेक लेंगे। तो फ्रेंड्स, आप एक बार जरूर बनाएगा इस तरह से। फ्रेंड्स, ये खाने में ना बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो दोनों साइड से अच्छे से सेक लेंगे। तो दोनों साइड अच्छे से सिक गए तो हमारा आलू का पराठा बनकर तैयार है। आलू का पराठा, पास में मैंने रायता बनाया। तो आलू के पराठे और पास में रायता खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है, तो आप भी आ जाइए खाने। तो हम तैयार होके जा रहे हैं अभी बाहर। हेलो, हम जा रहे हैं गणपति बप्पा के दर्शन करने। तो आप भी चलिए साथ में। तो
आप देख सकते कितनी रौनक है, सब जगह लाइटें लगी हुई है और जो सामने आप देख रहे हैं ना वहीं पे गणेश जी की मूर्ति है। तो चलिए चलते दर्शन करने। जय गणपति बप्पा। आप भी कर लीजिए गणपति बप्पा के दर्शन। और यहाँ पर निकू खड़ी है। गणपति बप्पा के दर्शन करने के बाद अब हम लोग जा रहे घर पे। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में जो बेल आइकन है उसे दबा दें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।